Hi guys, Irfan Allah of Tuts Media के last part PhD to HTML and CSS series में वेलकम करता है। इससे पहले हमने आप वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया है, अब हम देखेंगे कि हम बेसिकली इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। ये देख लो, मैंने ये बैकग्राउंड एड किए हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं हल्का सा डन सा बैकग्राउंड है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। मैंने रिमूव कर लिया, अब दोबारा वाइट कलर है। अच्छा, मैं पहले सबसे पहले अपने इमेजेस के अंदर एक पैटर्न फोल्डर है जहाँ पे सारे बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं, तो ये हम ऐड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड की लिए रखी हुई हैं, अगर आप पहले वीडियो देख लो तो उसमें मैंने एक लिंक सेव किया हुआ है ड्रॉप बॉक्स का डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो में, आप वहाँ से सारे एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, मैं अपनी सी एस एस फाइल को देख लूँ, मैंने रीसेट और स्टाइल, सो अगर मैं पैटर्न को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं सी एस एस फोल्डर के बाहर जाऊँगा, फिर इमेजेस के अंदर जाऊँगा और फिर पैटर्न को मैंने, तो अब मैं बॉडी में आ जाता हूँ और बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड लिख दें यू आर एल और डबल डॉट में लगा दूँगा क्योंकि मुझे सी एस एस फोल्डर से बाहर जाना होगा। यही मैंने एक्सप्लेन किया, अब दोबारा बता रहा हूँ कि मैं सी एस एस फोल्डर से बाहर जाऊंगा, फिर इमेजेस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, फिर उसके अंदर पैटर्न फोल्डर है, सो मैं दो दो डॉट स्लैश लगा लूंगा, दो दो डॉट स्लैश, अब मैं लिख दूंगा इमेजेस स्लैश पैटर्न स्लैश बी जी डॉट या जो भी नाम है ना वो मैं बी जी वन और बी जी डॉट जे पी जी और मैं रिपीट कर दूंगा। रिपीट का मतलब कि रिपीट एक्स वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे रिपीट करूं। अगर मैं रिफ्रेश करूं, मैं देख लूं, अच्छा आप देख लो बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन बैकग्राउंड तो आ गया है लेकिन बेसिकली मेरे पूरे पेज बॉडी में वो नहीं है, मैंने दिया हुआ है ना कलर नहीं दिया तो बैकग्राउंड ही आ रहा है। तो अब मैं जाके कंटेनर क्या नाम है उसका, कंटेनर या मेन कंटेंट में वाइट कलर लिख दूंगा, कंटेनर है कि क्या है, अब जरा आ जाए कहाँ पे है ये, हाँ कंटेनर मेन कंटेंट, मैं दोनों में लिख सकता हूँ लेकिन ज़्यादा इसमें अच्छा होगा क्योंकि इसके अंदर वो है साइड है, साइड बार भी और मेन कंटेनर, तो मैंने वाइड लिख दिया। तो मैं रिफ्रेश कर दूँ, आप देख लें आपको इजीली डिफरेंस आ जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट, तो अब इसी तरह मैं खेल सकता हूँ इसके साथ, डिफरेंट इमेजेस लगा सकता हूँ, जैसे मैं बी जी वन अब उसको कॉपी पेस्ट करके उसकी जगह रिप्लेस कर लेता हूँ या सिंपली सेव कर लिया रिफ्रेश, अब देख अब पूरा पेज डिफरेंट लग रहा है। तो इसी तरह मैं और भी देख लूँ, ये बॉडी VG27 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, सो मैं रिफ्रेश कर दी, सेव करके रिफ्रेश कर दिया, आप देख लें बैकग्राउंड चेंज हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रही है। मतलब बैकग्राउंड हम इसलिए लगाते हैं अगर किसी की बड़ी वेबसाइट हो ना, बड़ा स्क्रीन हो तो उस पर एक्चुअली वो आएगा ना बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। अब मैंने दूसरा लगा लिया, सेव कर लिया, रिफ्रेश करके आप देख लें अब डिफरेंट नज़र आ। अब ये मैं ये सारे पड़े आप इसके साथ खेल सकते हो, ये मैं ब्लैक वाला ट्राई करना चाहता हूँ, ये ट्राई कर लेता हूँ, ये छोटा सा है ऑलरेडी, बहुत ही छोटा है तो इसका ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, साइज भी कम है, देख लो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह सारे मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। हमारे वेबसाइट की विड्थ 960 पिक्सल है, सो बाकी अगर किसी का बड़ा स्क्रीन हो ना तो 960 से ज़्यादा हो तो उसको बैकग्राउंड नज़र आएगा, वाइट जगह नज़र नहीं आएगी। थोड़ा ये सारे इमेज है, मैं इमेजेस को देख रहा हूँ, उसके साइज़ को भी देख रहा हूँ और थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है जो भी आपने सेलेक्ट करना है। मैंने वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स का जो फोल्डर है जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप
वीडियो डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, सॉरी वीडियो नहीं, सारे जो वेबसाइट है डाउनलोड कर सकते हो, और आपको खुली छुट्टी है जो भी इसके साथ करना चाहते हैं कर लें। मतलब इस वेबसाइट में अगर आप अपलोड करना चाहते हैं बेशक अपलोड कर, कोई मसला नहीं है। तो ये सारे वही मैं कह लूँ, ये बटन है, ये सारा टेक्स्ट है, और ये लोगो है, लोगो को अगर आप रिप्लेस करके जाना चाहते हो, चल ये फॉन्ट हमने वेबसाइट फॉन्ट यूज़ किए तो हेडिंग के लिए खासकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पेज को जो facebook.com/tutsmedia है इसको लाइक करें, क्योंकि इस पर हम रेगुलरली न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं। लाइक करो और न्यू ट्यूटोरियल पोस्ट करते रहते हैं, जैसे हमने कोर्स स्कूल का ही बुक्स नए पोस्ट किए हैं, जैसे दीगर लड़कों ने रिक्वेस्ट भी भेजे हैं, तो आप भी भेज सकते हो। और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ कि /user.com/tutsmedia, तो यहाँ पे हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे सब्सक्राइब करो। ये हमारे रिसेंट वीडियोज़ हैं, यहाँ पे आप उर्दू और हिंदी और पश्तो की वीडियो देख सकते हो, और हम और भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आपसे ये ही, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हमें फेसबुक के ज़रिए भेज सकते हो, और सून हमारी वेबसाइट आ जाएगी।